हाथों पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चॉकलेट कंपनी के बारे में, एक ऐसे चॉकलेट ब्रांड के बारे में जिसने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत स्मार्ट तरीके से बेवकूफ बनाया और बहुत सारे टैक्सेस बचाए। जहां जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, चाहे वो डेयरी मिल्क हो, चाहे वो फाइव स्टार हो या फिर फेरेरो रोशर जैसी बड़ी कंपनीज हो, वो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़े अमाउंट में टैक्सेस पे कर रही थी। यहां इस कंपनी ने बहुत स्मार्ट तरीके से अपने बहुत सारे टैक्सेस बचाए। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है किटकैट। किटकैट के बारे में हम सब लोग बखूबी जानते ही हैं। किटकैट की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है नेस्ले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी किटकैट की चॉकलेट्स बिकती हैं वो नेस्ले के ब्रांड नेम के अंडर बिकती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो किटकैट की चॉकलेट्स बिकती हैं वो नेस्ले के ब्रांड नेम के अंदर नहीं बल्कि हर्शीज के ब्रांड नेम के अंदर बिकती हैं। तो पार्टी, अब सवाल ये आता है कि एक ही चॉकलेट कंपनी की दो दो पेरेंट कंपनी कैसे हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि नेस्ले ने वो कौन सी स्ट्रेटजीज को किटकैट के बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से उसने इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे टैक्सेस बचाए। तो चलिए पार्टी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा पीछे 1911 के अंदर एक कंपनी थी इंग्लैंड में, उसका नाम था राउंड ट्रीज। राउंड ट्रीज ने 1911 के अंदर दो कंपनी के ब्रांड नेम्स ट्रेडमार्क कराए थे। जो सबसे पहला ट्रेडमार्क था वो था KIT 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 KIT
दोनों नाम को सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये दोनों के दोनों एक ही नाम है, लेकिन जब आप इसको स्पेल आउट करते हो तब आपको पता लगेगा कि इसमें एक वर्ड का अंतर है जो कि है सी और के का। ब्रांड नेम्स को ट्रेडमार्क कराने के बाद राउंडरीज कुछ महीनों बाद KIT किट CAT कैट इस ब्रांड नेम के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, लेकिन इसको ज्यादा टाइम तक सेल आउट नहीं करता है। 1920 के अंदर वो किट कैट ब्रांड को डिसकंटिन्यू कर देता है क्योंकि वो अपने और भी बिजनेस सेगमेंट्स पर और भी प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की कोशिश करता है। फिर कुछ सालों बाद 29 अगस्त 1935 को राउंडरीज एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसका नाम वो रखता है राउंडरीज चॉकलेट क्रिस्प, और उस प्रोडक्ट को वो मार्केट में $2 के अंदर बेचने का स्टार्ट करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ लंदन और साउथ इंग्लैंड के अंदर बेचने की कोशिश करता है। और पार्टी मजे की बात यह है कि राउंडरीज का ये चॉकलेट क्रिस्प जो कि वो $2 के अंदर मार्केट में सेल कर रहे थे वो काफी ज्यादा हिट होता है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर 1937 के अंदर राउंडरीज चॉकलेट क्रिस्प का नाम चेंज होकर के किट कैट चॉकलेट क्रिस्प हो जाता है। पार्टी 1937 के बाद आता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद राउंडरीज अपने प्रोडक्ट किट कैट चॉकलेट क्रिस्प का नाम चेंज करके सिर्फ और सिर्फ किट कैट रख देता है। पार्टी किट कैट चॉकलेट क्रिस्प का नाम जब चेंज होकर के सिर्फ और सिर्फ किट कैट हो जाता है तो ये प्रोडक्ट आने वाले महीनों के अंदर पूरे के पूरे इंग्लैंड में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और बहुत लोगों को पसंद भी आता है। फिर राउंडरीज 1940 के अंदर अपना ये प्रोडक्ट किट कैट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों एक आइकॉनिक टैगलाइन आपने जरूर सुनी होगी किटकैट के ब्रांड की जो कि है हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट। ये 1957 के अंदर डोनाल्ड गिलीस नाम के एक पर्सन जो कि उस वक्त किटकैट के मार्केटिंग हेड हुआ करते थे वो क्रिएट करते हैं और उस टाइम वो लॉन्च करते हैं। 1970 के अंदर राउंडरीज देखता है कि किटकैट की जो डिमांड है वो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिख रही होती है, तो इसीलिए वो जर्मनी में भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग हब एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं। हाँ तो बाकी जर्मनी के अंदर अपनी फैक्ट्रीज और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने के बाद राउंडरीज ने बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज के साथ टाइप्स भी किए और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर हर्शीज ने राउंडरीज के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया कि यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी किटकैट की चॉकलेट बिका करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ हर्शीज बेचा करेगा। और जापान के अंदर एक कंपनी जिसका नाम था फुजिया ने राउंडरीज के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया कि जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही किटकैट की चॉकलेट को सेल कर सकता है। पार्टी फिर आता है जून 1988, ये वही सेम टाइम था जब नेस्ले जो कि एक स्विस कंपनी थी उसने राउंडरीज को एक्वायर कर लिया था, और जितने भी ब्रांड्स राउंडरीज ओन करता था जैसे कि किटकैट वो सारे के सारे ब्रांड्स नेस्ले के अंडर आ जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर नेस्ले किटकैट को बेचना स्टार्ट कर देता है। बट यूएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हर्शीज नेस्ले की चॉकलेट्स बेचा करता था क्योंकि हर्शीज अपना जो लाइसेंस था अपना एग्रीमेंट जो कि उसने राउंडरीज के साथ साइन किया था वो उसको टर्मिनेट नहीं कराना चाहता था। हालांकि जो एक और कंपनी थी फुजिया जो कि जापान के अंदर थी उसने अपना लाइसेंस खत्म करा के नेस्ले को बेच दिया था। बट यही वजह है कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किटकैट की चॉकलेट जो बेचती है उस कंपनी का नाम है हर्शीज, और पूरी दुनिया के अंदर जो किटकैट की चॉकलेट्स बेचने वाली कंपनी है उसका नाम है नेस्ले। पार्टी 1988 के बाद नेस्ले किटकैट का बिजनेस और भी कंट्रीज में एक्सपेंड करने का सोचता है और 1988
1988 के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज में भी किटकैट एंटर हो जाता है। और आज के टाइम भी किटकैट लगभग 16 से ज्यादा कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है और बिकता है। पार्टी सितंबर 2013 के अंदर नेस्ले गूगल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और उस एग्रीमेंट में यह होता है कि गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 4.4 आएगा उसका नाम किटकैट रखा जाएगा और इस लाइसेंस को देने के लिए नेस्ले गूगल से कोई पैसे भी नहीं लेता है। पार्टी जब 1988 के अंदर किटकैट इंडिया में एंटर हुआ था उसके लगभग 10 साल बाद 1999 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट किटकैट को सीयू करती है और उस बोलती है कि ये इंडियन गवर्नमेंट को फूल कर रही है और बहुत सारे टैक्सेस बचा रही है। पार्टी जब 1988 के अंदर किटकैट इंडिया में एंटर हुई थी तो उसने अपने आप को एज अ वेफर कंपनी रजिस्टर कराया था विद इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट किटकैट से बोलती है कि आप एक चॉकलेट कंपनी हो, एक वेफर कंपनी नहीं हो, क्योंकि आप अपने सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स में किटकैट को एज अ चॉकलेट कंपनी, एज अ चॉकलेट रिप्रेजेंट करते हो और 10% टैक्स को बचाते हो। पार्टी इंडियन गवर्नमेंट और किटकैट के बीच की ये लीगल जंग बहुत सालों तक चलती रहती है, लेकिन फिर हार करके इंडियन गवर्नमेंट ये केस इंडियन एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देता है। और जब बहुत महीनों बाद इंडियन एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट किटकैट के फेवर में रूल करता है और कहता है कि किटकैट इज अ वेफर कंपनी, इज नॉट अ चॉकलेट कंपनी, क्योंकि किटकैट के अंदर वेफर की जो क्वांटिटी है लगभग 70% से भी ज्यादा है और जो चॉकलेट की क्वांटिटी है वो 4-5% के करीब की है। इंडियन एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि 20% टैक्स स्लैब उन कंपनीज के लिए जो कि अपने प्रोडक्ट्स में कोकोआ का इस्तेमाल करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडियन एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट ने कहा कि ऑल चॉकलेट इज कोकोआ बट ऑल कोकोआ इज नॉट चॉकलेट। और किटकैट अपना 10% टैक्स इंडियन गवर्नमेंट से बचा लेता है क्योंकि वेफर्स कंपनीज के ऊपर लगभग 10% का टैक्स स्लैब होता है और जितनी भी चॉकलेट कंपनीज होती है उनके ऊपर 20% का टैक्स स्लैब होता है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि अगर किटकैट 3-4% का चॉकलेट अपने वेफर में यूज ना करे तो उसका वेफर खाने लायक भी ना होगा, तो उसका जो मेन टेस्ट आ रहा है वो 3-4% की चॉकलेट की वजह से आ रहा है। वो 70-80% का जो वेफर है वो पूरा का पूरा वेस्ट है अगर उसके ऊपर 3-4% की जो चॉकलेट कवरिंग की जा रही है वो ना हो। तो पार्टी इसी तरीके की और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि नेस्ले ने किटकैट के अंदर यूज़ की और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली उन सारी की सारी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट भी किया। और इस केस से हमें यह पता लगता है कि नेस्ले को एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग भी मिली इस केस से, क्योंकि इस केस के बाद बहुत सारे लोग किटकैट को जानने भी लग गए थे और ये जानने लग गए थे कि किटकैट इज़ अ वेफर कंपनी नॉट अ चॉकलेट कंपनी। तो इस केस के बाद, इस केस को जीतने के बाद बहुत सारे लोग किटकैट को और भी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। तो पार्टी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस और स्टार्टअप बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।